हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी ऑप्टिक। दोस्तों, यदि आप यूपीटी जीटी एग्जाम 2021 के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हैं कि पेपर निरस्त हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी जो है डाल रहे हैं, और सुबह से मैंने भी देखा है यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन में लड़के लगातार आ रहे हैं कि क्या पेपर निरस्त हो सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे फाइनली कट ऑफ कितना जा सकता है, मैंने पक्का एनालिसिस किया है, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ एकदम विस्तार से। यहाँ पे मैं पोस्ट वाइज बताने वाला हूँ और पद वाइज बताने वाला हूँ कि कितने जा सकते हैं कट ऑफ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसके बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन बचेगा नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, मात्र एक सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप उनसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि पेपर निरस्त होगा क्या। दोस्तों, यहाँ पे ये बात सही है कि कई जगह कई सेंटर पे जो है नकल वाले चीज़ें पकड़ी गई थी, और कई एक जगह एक सेंटर पे तो ऐसा भी देखने को मिला था, एक महिला थी और वह कान में जो है लगा के मैग्नेटिक चिप लगा के जो है नकल कर रही थी। तो इस हिसाब से मैंने उसका जो है बताया भी था यूट्यूब पे। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई थी, सामने निकल के आई थी पेपर के दौरान, जिसे स्टूडेंट्स ने मांग उठाया है और ये लिखित में जो है यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है अपना कि पेपर निरस्त कराया जाए, और जो भी इस जो है नकल वाले कार्यक्रम में शामिल अभियुक्त थे उनके खिलाफ़ ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि जो है ये आगे से ऐसा कदम ना उठा पाएँ। लेकिन दोस्तों, अभी शासन की तरफ से कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं आया है जिसे आप कह सकते हैं कि पेपर निरस्त होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर की आपका आ गया है, तो यहाँ पे निरस्त होने की संभावना, पेपर निरस्त होने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। ज्ञापन सौंपा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ तक निरस्त होने की चांसेस है तो यहाँ पे चांसेस 30-40% है कि कहीं निरस्त हो जाए, लेकिन अधिकतर चांसेस यही है कि पेपर निरस्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शासन यदि चाहेगा तो शासन तो चाहेगा नहीं निरस्त कराना, ये तो पक्का है, ठीक है। तो पेपर निरस्त होने की संभावना कम है, वैसे देखिए क्या होता है आगे निकल के चीज़ें क्या आती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे एनालिसिस के आधार पे मैंने बताया है, रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे पूरा आवेदन टोटल कितना आवेदन हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 2,000, 3,000 या फिर 5,000 वोटिंग कराने से कैसे पता चल जाएगा कि टोटल कैसे कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल कितने आवेदन हैं इसको मैंने काउंटिंग किया। यहाँ पे टोटल कितने आवेदन हैं, नियर अबाउट आप जोड़ेंगे आवेदकों की संख्या तो लगभग 7,00,000 अप्रॉक्स 7,00,000 कैंडिडेट जो है आपको मिल जाएंगे जिन्होंने आवेदन किया था। आप जोड़ सकते हैं इसको टोटल को, नियर अबाउट 7,00,000 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7,00,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है इसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको मैंने बताया था एक चीज़ कि 86% स्टूडेंट्स ने ही एग्ज़ाम दिया था, जबकि 16% स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम छोड़ दिए थे। यह भी मैंने कवर किया था, यदि आपने देखा होगा तो आपको पता है। तो 86% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, यदि हम 7,00,000 का 86% निकालेंगे तो अप्रॉक्स 6,00,000 के नियर अबाउट आएगा, मतलब जो आपका फाइट है वह 6,00,000 कैंडिडेट के बीच में ही है, ठीक है। अब इस 6,00,000 कैंडिडेट में है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बात यह आती है कि मैंने जब वोटिंग कराया तो वोटिंग की क्या निकल के सामने आया, देख सकते हैं ऑल ओवर वोटिंग के लिए यहाँ पे लगभग 2,700 वोटिंग पड़ चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे टोटल अकाउंटिंग करेंगे यदि वोटिंग का, जितने भी सब्जेक्ट के लिए मैंने वोटिंग कराया था, तो वह 5,000 से भी अधिक वोटिंग हो जाता है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो यदि हम ऑल ओवर की बात करें, जैसे कि ऑल ओवर से थोड़ा सा रफ अंदाज़ा लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2,700 कैंडिडेट वोटिंग किए थे, जिसमें से 5% कैंडिडेट के नंबर 115 से 125 के बीच में उनके अनुसार आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग फेक भी किए हों, जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे कि कुछ लोग मस्ती मजाक के मारे जो है 125 पे टिक कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टिक कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ लोग किए हों, 105 से 115 के बीच में 7% स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब बात यह आती है आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों, अगर डेढ़ भी परसेंट यहाँ पे टोटल जोड़ने पे 12% आ रहा है जिनका नंबर जो है 105 से ज़्यादा है, मैं मान रहा हूँ यदि डेढ़ भी परसेंट कैंडिडेट के नंबर 105 से या 100 से ऊपर रहा हो, निश्चित तौर से होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपके कमेंट आते रहते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के 102 नंबर हैं, 103 नंबर है, 105 नंबर है, 115 नंबर भी कैंडिडेट के कमेंट आए हैं, ठीक है। तो यदि 1.5% स्टूडेंट्स के नंबर ही केवल जो है 1.5% स्टूडेंट के नंबर 100 से ज़्यादा हों, तब भी यदि हम 6,00,000 का 1.5% निकालते हैं, 6,00,000 का यदि हम 1.5% निकालेंगे तो लगभग 9,000 कैंडिडेट वैसे ही आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे दिए जिनका नंबर 100 से ऊपर है।
आप इस बात से सहमत होंगे, निश्चित तौर से आपको होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके सामने ऐसे निकल के आ गया 1.5% स्टूडेंट्स ही हैं, तो आपके सामने निकल के आ गया लगभग 9000 कैंडिडेट, और सीट कितना है टोटल 12000। आपको पता है कि यहाँ पे इंटरव्यू है नहीं, तो जितना सीट है उतने ही कैंडिडेट को यहाँ बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो 100+ जिनका आ रहा है वो तो पक्का मान के चले यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस 98% है। अब बात यह आती है कि यहाँ पे 80% वालों का क्या होगा, 80 क्वेश्चन वालों का क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि मैथ हो गया, यहाँ पे हिंदी हो गया, तीसरा यहाँ पे सोशल साइंस हो गया, चौथा यहाँ पे हम जो है साइंस को ले सकते हैं, विज्ञान को ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चार सब्जेक्ट ऐसे हैं और एक कॉमर्स हो गया। ये 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके कट ऑफ लो रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए थे, तो उसके आधार पे क्या पता चला था कि ये 5 सब्जेक्ट जो हैं उनके कट ऑफ जो है कम जाएंगे। और मैंने बताया था भी कि यदि कोई बालिका वर्ग होगा तो बालिका वर्ग के लिए या फिर फीमेल के लिए यह कट ऑफ 80 क्वेश्चन पे भी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैथ के लिए या साइंस के लिए। और दोस्तों आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, यदि कोई यूट्यूबर ये बता रहा है कि आपका सिलेक्शन 60 क्वेश्चन पे हो जाएगा या 70 क्वेश्चन पे हो जाएगा, तो एकदम फेक है, आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। 60-70 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होने से रहा, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं होगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट बता दिया जिनका कट ऑफ लो जा सकता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।